सरकार यहाँ पे लोगों का खून चूस रहा है वो चीजें दिखाइए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं उसी लायक हूँ, मैं जेल में ही रहूंगा। लेकिन आप लोग बदल दीजिए बिहार की किस्मत को, किसने रोका है आप लोगों को? क्यों नहीं दिखता है बिहार का डर? क्यों नहीं आते हैं आप लोग बिहार के जमीन पे? क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, उस चीज को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्डर क्यों ना हो, कैसे मर्डर को रोका जाए, उस चीज को क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? पनिश का सब गलत है, तालिये सजा दिलाइए। भारत का सबसे बड़ा वकील जो है मेरे खिलाफ जो है वो एनएसए में लड़े थे ना, जीत गया ना मैं, एनएसए तोड़वा दिया ना, कोर्ट ने बोल दिया ना कि मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। आइए आप लोग, आइए आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं दिल्ली में बैठे हुए सभी स्टूडियो में, जितने मीडिया वाले हैं सब भाई है मेरे, बड़े भाई हैं, आप लोग भाई मानते हो या ना मानते हो, आइए बिहार में और बदलिए हालात को। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, परेशान है बिहार के लोग, उनका दर्द एक दिन 1% भी उनके इतना दर्द अगर आप लोगों को हो जाएगा ना, बेचैन हो जाएंगे। जितना बिहारी हर दिन दर्द झेलता है, दर्द झेलता, हम लोगों को बांट के रख दिया गया, जाति में पार्टी में ना जाने कहां कहां बांट के रख दिया गया। सच्चाई है भाई, ये ना आपके आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, अगर आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, अगर एक आदमी का दर्द जो है अगर आपने समझ लिया तो। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ आपके पीछे घूमेंगे, दिखाइए बिहार के हालात को, और फिर मैं बोलूंगा कि क्या स्थिति है, क्या सरकार ने किया है। सही बात, बिहार को चलाया नहीं जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। बिल्कुल, क्या मैं बोलूं, मैं गलत हूं आप लोगों के नजर में, साबित कर दीजिए, सब लोग मिलके मुझे मनीष कश्यप को सूली पे चढ़ा दीजिए, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिहार को आप लोग बचा लीजिए, आप लोग बिहार को बचा लीजिए। मनीष जी अब सब बंद करा दीजिए, लेकिन बिहार को आप लोग बचा लीजिए, आप लोगों से विनती करता चाहता हूँ, आइए बिहार में, दिखाइए बिहार की स्थिति को और बचाइए बिहार को। मैं गलत तो मांग कर नहीं रहा हूँ, मैं अपने लिए घर पैसा कुछ मांग नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग आइए। बिल्कुल, ये मनीष कश्यप ना राजनीति में आएगा ना वीडियो बनाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप आइए बिहार को बदलिए, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपना इंजीनियरिंग करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा। बिल्कुल, आइए आप लोग, समाज को, सोसाइटी को, बिहार को मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब उस हालात को हम लोग बदल देंगे तो। अरे ट्रेन में भूसा की तरह, आलू प्याज की बोरी की तरह भर भर के हम लोग जाते हैं बाहर कमाने जाते हैं, हम लोग बोलता है टॉयलेट साफ करने आया है, उस दर्द को लेके हम लोग सीने में कैसे जी रहे हैं उसको एहसास कीजिए एक बार। और जितने कम से कम दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, बिहार के जितने पत्रकार बैठे हुए दिल्ली में वो लोग तो समझ जाए, हम लोग टॉयलेट साफ करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बाथरूम साफ करने वाले लोग नहीं है, आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार के, डॉक्टर इंजीनियर सबसे ज्यादा बिहार के, सेना पे जब मरने की बात आती है तो हम लोग भी, पोर्टल पे मरने की बात आती है तो आप लोग भी अपना 56 इंच का सीधा लेके खड़े हो जाते हैं कि मारो एक गोली हमें भी, लेकिन हम देश बचाएंगे। रोड साफ करने से लेके और देश चलाने तक हम बिहार के लोग हैं, लेकिन हमें इज्जत नहीं मिलता है। बिल्कुल, क्या करें, पैसे दिखाए गयो 3 दिन भी तुम्हारे भी नोत नफरी थी, राम ने कहा था, बड़ी प्यार से हम लोग विनती किया, 70-75 साल देश आजाद हो गया, विनती करते रहे, अरे हम बिहार इसी देश के, इसी ग्रह के, इसी पृथ्वी के लोग हैं, हमें भी इज्जत दो, हमारा भी विकास करो, किसी ने नहीं किया तो मैं उठा लिया अपने तरीके से जिम्मेवारी, तो मैं गलत हो गया आप लोगों के नजर में, सही कीजिए आप लोग बिहार में, नहीं ये सब छोड़ दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा है, मैं कमाल का सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपना इंजीनियरिंग करूंगा, मैं वहीं पे काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बदल दीजिए आप लोग बिहार को, आप सभी को मैं विनती करना चाहता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मनीष कश्यप मुद्दा नहीं होना चाहिए आज, वो दयानिधि मारन जो बिहार के लोगों को बोला है टॉयलेट साफ करता है, वो मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, उनसे सवाल किया जाए जी, उनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसे भारत में जो है, भारत के लोगों को अलग अलग क्यों किया जाता है, क्यों तोड़ा जाता है, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अगर इस बात से बिहार के लोग भड़क गए तब तमिलनाडु और बिहार के बीच में हिंसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अगर भड़क गए तो तमिलनाडु के लोग भड़क गए और बिहार के लोगों को वहां से भगाना शुरू किया तब इससे हिंसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे नेताओं पे एनएसए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए भाई। सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसे बताने वाले डीएमके के एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन जो हीरो बनने गए वहां पे फ्लॉप हो गए और राजनीति में फ्लॉप राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, लगना था, चाहिए। नहीं होना चाहिए, हालांकि आप लोगों ने दिखाया, ये बात सही है, मैं आप लोगों का कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन अब बिहार की गलतियों को दिखाते हुए उसका सुधार का भी रास्ता हम लोगों को ढूंढना है, सुधार का भी रास्ता ढूंढना है, और आइए हम लोग सब लोग मिलके जो है ना थोड़ा सा
दर्द बांटने का प्रयास करते हैं। जब बाढ़ में हम लोगों का घर डूब जाता है, ना जाने कितने लोग उस पानी में डूब के मर जाते हैं, बस अखबारों में और टीवी चैनलों में आता है कि बिहार में आया बाढ़ और मचाया तबाही। लेकिन वो दिल की तबाही कितनी मचा देती है बाढ़, उसका एहसास नहीं होता है। उस दिल की तबाही को रोका जाए, बिहार को बर्बाद होने से रोक दिया जाए। और मुझे पता है कि दिल्ली में बैठे हुए सभी मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ 1% बिहार को दे देंगे ना, सिर्फ 99% जो करते हैं करे, सिर्फ 1% बिहार को दे देंगे ना, तो ये 12 से 14 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य के लोगों का जिंदगी जो है खुशहाल हो जाएगा। सच्चाई है भाई जी। नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं राजनीति में आऊंगा, मुझे राजनीति में आने का शौक भी नहीं है, नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, ये जातियों में टूटा हुआ बिहार को बचा लीजिए, इस बिहार को फिर से नया बिहार बना दीजिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य का, ये चाणक्य का बिहार, ये लोकतंत्र की जननी बिहार, ये गुरु गोविंद सिंह का बिहार, गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला बिहार, माँ सीता की भूमि बिहार, दशरथ मांझी की भूमि बिहार, इसको बचा लीजिए। वीर कुंवर सिंह जो बुढ़ापा में जो है अपने हाथों को काट के गंगा में दे दिए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, वो वीर कुंवर सिंह का बिहार, राजेंद्र प्रसाद का बिहार, ये टॉयलेट साफ करने वाला कब से हो गया मैडम? दर्द तो होगा ना। तो भाई ये दर्द जो है ये मनीष कश्यप का दिल से निकल रही है ये आवाजें, ये बातें जितनी भी है ये दिल से ना कि दिमाग से। और ये नौमी फेल अनपढ़ गवार मंत्री, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तूने एक पत्रकार पे NSA लगा के तूने ये साबित कर दिया कि तेरे से घटिया नेता कोई हो नहीं सकता पूरे बिहार के अंदर, ये तूने साबित कर दिया नौमी फेल। और बिहार के भाइयों समझ जाइए अपने भाई के दर्द को, ये भाई जो है ना ये बिहार को आने वाले टाइम में बदलेगा। अगर आप लोग मनीष कश्यप को ताकत में लाओगे तो सरकार में लाओ, ये ताकत में वही बात है भाई साहब, जब तक मनीष कश्यप के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी तब तक बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और पावर में लाने की जिम्मेदारी आप भाइयों की होनी चाहिए, बिहार के लोगों की होनी चाहिए। किसके लिए लड़ रहा है, इतनी सारी चीजें बताई मनीष कश्यप ने, किसके लिए? ये बिहार के लिए। और बिहार के भाइयों को समझना पड़ेगा, बिहार के भाइयों को समझना चाहिए। इन नौमी फेल अनपढ़ गवारों को बिहार के लिए कुछ नहीं करना, इन्हें तो बस इनके खिलाफ किसी ने आवाज उठा दी तो उस पर NSA लगा के 9 महीने के लिए जेल में डाल देना, ये है इनकी काली करतूत है, ये है इनकी असली चेहरा, ये है इनका असली पोल। और इन लोगों की जब असली पोल कोई खोलता है तो इन लोगों की पोल जो है जब खुल जाती है तो ये फड़फड़ाते हैं, सामने वाले को जेल में डाल देते हैं, और जेल में डाल के आराम से अपना मस्ती से अपना घोटाला घोटाला करते रहते हैं। आप समझिए बिहार के भाइयों, ये मनीष कश्यप का दर्द है ना ये दिल से निकल रहा है, क्योंकि उस बंदे ने झेले हैं 9 महीने बिना मतलब के झेले हैं। और इस नौमी फेल अनपढ़ गवार मंत्री को कोई पूछिए कि तेरे बाप ने करोड़ों का चारा चोरी करके, तेरे बाप ने चारा चोरी करके करोड़ों का घोटाला किया, तेरे बाप पर NSA लगा? नहीं लगा, नहीं लगेगा, क्योंकि पावर में है ये लोग। और पावर में बिहार के भाइयों आप लोगों ने ला रखा है, लेकिन अब की बार बदल कर दिखा दीजिए भाई साहब, बदल कर। और जब तक बदलोगे नहीं तब तक बिहार नहीं बदलेगा। इसलिए आपको मनीष कश्यप को पावर में लाना है, आप लोग पावर में ला सकते हो तो मनीष कश्यप को लाइए, और फिर उसके बाद देख लीजिए कि आपका बिहार कैसे बदलेगा। यह सच्चाई है कि एक अभी नेता ने क्या कहा, बिहार के ही नेता ने क्या कहा, नेता ने कहा कि बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने जाते हैं, क्या उस पर NSA ने लगना चाहिए, क्या यहां पर यह भड़काऊ भाषण नहीं है? अरे शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए। ये मनीष कश्यप है जो बेचारा लड़ रहा है, अगर मनीष कश्यप चाहे तो घर बैठकर आराम से 4 से 5 लाख रुपए कमा के अपना जीवन काट सकता है और अपने पूरे परिवार का जीवन काट सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप वो काबिल है, मनीष कश्यप के अंदर वो कामयाबी है। और मनीष कश्यप एक कोई वो नहीं है भाई साहब, एक इंजीनियर है यार, और आप समझ सकते हैं आज के डेट में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बंदे के अंदर सारी चीज की नॉलेज है, और जिस बंदे के अंदर नॉलेज है ना वो कभी भूखा नहीं मरता, ये भी सच्चाई है। तो समझिए मेरे बिहार के भाइयों, आज आप नहीं समझोगे ना तो बिहार को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो यार, ये तो बताइए ना, बिहार में हो क्या रहा है, बिहार में चल क्या रहा है, बिहार कितनी तरक्की कर रहा है, बताइए ना। आपने इन्हें चांस पे चांस दिया, किसको? इन गवार नेताओं को,
कितने साल मुख्यमंत्री बनाया, कितनों साल मुख्यमंत्री बनाया, जो अंगूठा टेक है उनको भी तुमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे बनाया तो बनाया ठीक है, लेकिन बिहार को तो बदलो, बिहार के लिए तो कुछ करो। बिहार के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बिहार के लिए कोई 1% काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं बिहार का नाश कर दिया। अगर कोई राज्य पीछे है ना आज, तो वो बिहार या और कोई नहीं है, बिहार ही सबसे पीछे दिख रहा है आज के टाइम, और ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के भाइयों को जागना पड़ेगा, मनीष कश्यप की बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, आत्माएं रोती है मनीष कश्यप की, जब देखता है कि अपने बिहार के लोगों की हालत है, जब देखता है कि ट्रेन के अंदर ठूस ठूस के, बोरी की तरह ठूस ठूस के जब जाते हैं ना, देखता है वो बंदा सुनता है ना, जब कोई कहता है ना कि टॉयलेट साफ करने के लिए वहां पे तमिलनाडु में जाते हैं बिहार के लोग, ऐसा एक नेता भी बोला, तो मनीष कश्यप पर बीतती है, मनीष कश्यप पर सहन नहीं होती। और ये सहन करने लायक बात है ही नहीं, जिस तरीके की बातों को बोला जाता है नेताओं के द्वारा, इन्हें शर्म नहीं आती, इन पर अन्य से नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए बिहार के लोगों से पूछना चाहते हैं, भाई कब बदलोगे बिहार को, कब बदलोगे नेता को? अगर बिहार बदलना है तो नेता उसके लिए पहले बदलना पड़ेगा, और जब तक नेता नहीं बदलेगा, जब तक बिहार नहीं बदलेगा, ये 101% बात सच्चाई है भाई। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा, और साथ दीजिए भाई मनीष कश्यप का। हम उसी दिन से, हम बाहर के होने के बावजूद भी मनीष कश्यप के साथ है, क्यों है? अरे वो गरीबों की आवाज उठाता है, वो हर जगह जाके आवाज उठाता है, लेकिन खास तौर पे बिहार के लिए ज्यादातर इसलिए उठाता है क्योंकि बिहार वास्तव में पीछे है, बिहार वास्तव में पीछे है, बिहार के मजदूर वास्तव में पीछे है, बिहार के लोग वास्तव में पीछे है। और पीछे होने का कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार में कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, IPS SP सब कुछ बनते हैं, उसके बावजूद भी इन नौमी फेल अनपढ़ गवार मंत्रियों को तो कोई शर्म आनी ही नहीं है। और इन्हें क्या पता कि पढ़ाई क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें तो अपने घर घर भरने से मतलब है, इन्हें घोटाले करने से मतलब है, इन्हें कुछ मतलब नहीं है। और मतलब दे किसने रखा है, मौका किसने दे रखा है? बिहार के लोगों ने। तो लास्ट में आके मैं बिहार के भाइयों से ही कहना चाहता हूं, भाई सरकार बदलिए, जब तक सरकार नहीं बदलोगे, जब तक बिहार नहीं बदलेगा। तो समझिए मेरी बात को, हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप से भी अगर कोई और है ऐसा बंदा जो तुम्हें लगता है कि बिहार बदल देगा, तो उसको बनाइए, तो बिहार जब बदलेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई मनीष कश्यप से कोई आगे ऐसा बंदा है, मैं तो कहता हूं आओ बिहार के लोग उठकर, इस तरह से उठकर आओ और करो अपनी कामयाबी के स्वरूप, बिहार को तरक्की पर ले जाने के लिए नेता बदलो। बाकी आपकी क्या राय है मनीष कश्यप के, आपने सारी बातें सुनी, एक बात भी बताइए ना मनीष कश्यप का एक पॉइंट भी कहीं गलत है क्या? एक पॉइंट गलत नहीं है उस बंदे का, उस बंदे ने अपनी सारी बातें बोली, दिल से बोली, इसे कहते हैं भाई। तो समझिए उस बंदे ने झेला है। तो कहीं ना कहीं बिहार के भाइयों को समझना पड़ेगा, और जब जाके कुछ आगे तरक्की बिहार में कुछ करनी पड़ेगी। बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और एक कमेंट मनीष कश्यप के लिए करके जाए, ये तो बताइए अगर वो बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इतना तो बताइए ना। वो बंदा तुम्हारे लिए इतना चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, फड़फड़ा रहा है, ये किसके लिए कर रहा है भाई, किसके लिए? अरे अपने लिए नहीं कर रहा, जेल किसके लिए काटकाया, अपने लिए काटकाया क्या? नहीं काटकाया भाई अपने लिए, वो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए जेल काट के आ रहा है। तो इसलिए आप भाइयों को साथ देना होगा, अरे कमेंट जरूर करिए अगर सच्चे बिहारी हो तो मेरे भाई। बाकी सभी को जय हिंद, जय श्री राम।